मनुष्य के जीवन के लिए भोजन, वायु और जल जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है व्यायाम और खेलकूद। वैसे तो खेलकूद बहुत से हैं और लोग खेलते भी हैं, लेकिन मुख्यतः खेल दो प्रकार के होते हैं, एक घर में बैठकर खेले जाने वाले खेल और दूसरे मैदान में खेले जाने वाले खेल। मैदान में खेले जाने वाले खेलों में दौड़ की विभिन्न स्पर्धाएँ हैं, जैसे लंबी कूद, ऊँची कूद, तिहरी कूद, बाँस कूद आदि। दौड़ की ही एक स्पर्धा है बाधा दौड़, यानी हर्डल। वैसे तो साधारण दौड़ में धावक केवल दौड़ता है, लेकिन बाधा दौड़ में धावक दौड़ता है और कूदकर बाधा पार करता है, फिर दौड़ता है और फिर दौड़ते हुए कूदकर बाधा पार करते हुए अपनी दौड़ पूरी करता है। लड़कों में तो ये खेल बहुत पहले से है, परंतु 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में बाधा दौड़ की स्पर्धा को लड़कियों के लिए भी शामिल किया गया। इसमें दो तरह की बाधा दौड़ होती है, महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है, और पुरुषों के लिए 110 मीटर व 400 मीटर बाधा दौड़ होती है। ये है बाधा जिसे हम हर्डल कहते हैं। एक बाधा का कुल वज़न 10 किलोग्राम होता है। हर्डल बाधा की ऊंचाई 42 इंच से लेकर 1.7 मीटर तक होती है। 100 मीटर की बाधा दौड़ की स्पर्धा में पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई 42 इंच और महिलाओं के लिए बाधा की ऊंचाई 33 इंच होती है। 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई 36 इंच और महिलाओं के लिए ऊंचाई है 30 इंच। हर्डल्स की ऊंचाई को हम यहां से एडजस्ट करते हैं। हर्डल्स का ये नीचे का जो भाग है वो धातु का बना होता है, और जो ऊपरी पार पट्टी यानी अपराइट क्रॉस बार है वो लकड़ी की बनी होती है। इसकी चौड़ाई होती है 70 मिलीमीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर निश्चित की जाती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए पहले स्टार्ट लाइन से पहली बाधा 13 मीटर 72 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। इसके बीच की दूरी 9 मीटर 14 सेंटीमीटर होती है। इस तरह 9 मीटर 14 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाधा रखते हैं और आखिरी बाधा फिनिश लाइन से 14 मीटर 2 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। इसी तरह 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा शुरुआत की लाइन से 45 मीटर पर रखी जाती है और बीच की दूरी 35 मीटर होती है। आखिरी बाधा फिनिश लाइन से 40 मीटर पर रखी जाती है। इसी तरह महिलाओं में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा शुरुआत लाइन से 13 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, बीच की दूरी 5.5 मीटर होती है और आखिरी बाधा फिनिश लाइन यानी अंतिम लक्ष्य से 10 मीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। एक अच्छा हर्डलर का एक अच्छा स्प्रिंटर होना जरूरी है, लेकिन एक स्प्रिंटर अच्छा हर्डलर हो ये जरूरी नहीं है। हर्डल्स इवेंट में 10 फ्लाइट्स होती हैं, 10 हर्डल्स होती हैं, इनको क्रॉस करके ही एथलीट अपने फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है। हर्डल्स क्रॉस करते वक्त एथलीट को सामने वाली टांग को सीधा रखा जाता है और पीछे वाली टांग को बेंड किया जाता है। हर्डल्स स्टार्ट करते समय एथलीट को कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हर्डल को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग ब्लॉक पर जो जिस फुट से हर्डल क्रॉस की जाएगी उसको ब्लॉक पर स्टार्टिंग ब्लॉक पर टेक ऑफ फुट को पहले रखा जाएगा। टेक ऑफ स्टार्ट हर्डल स्टार्ट करते समय स्टार्ट होते ही 2-3 स्ट्राइड बाद ही एथलीट को हर्डल्स की तरफ देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो हर्डल को तेज़ी से क्लियर कर सके। और स्टार्ट के 6-8 मीटर बाद ही हर्डल्स को अपनी हर्डलर को अपनी सीधी पोजीशन में आ जाना चाहिए। हर्डल स्टार्ट के समय एथलीट जो फर्स्ट हर्डल तक स्ट्राइड्स लेता है वो 7 या 8 मीटर्स के बीच में होनी चाहिए। स्टार्ट टू फर्स्ट हर्डल्स एथलीट जितनी एक्सीलरेशन कर सकता है उस बीच वो कर सकता है। हर्डल्स के लिए टेक्निकल इवेंट है, इसके लिए ट्रेनिंग हर्डल्स को काफ़ी एथलीट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसको कई तरह की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कई प्रकार के टेक्निक्स हैं,
पहले हम एथलीट को वार्मिंग अप कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उनको हडल से एक्सरसाइज कराते हैं, और भी स्ट्रेंथ वर्कआउट, पावर वर्कआउट, स्पीड वर्कआउट, सारा वर्कआउट जो है ये हम हडलर को सिखाते हैं। बाधा दौड़ एक तकनीकी खेल है और इसके लिए प्रशिक्षण का होना जरूरी है, जो कि बाधा दौड़ के धावकों को दिया जाता है। खेल शुरू करने से पहले व्यायाम करते हैं, जिसे हम वार्म अप कहते हैं। बाधा को शामिल करते हुए व्यायाम करते हैं गति और शक्ति के लिए। ये व्यायाम बाधा दौड़ के धावक के लिए बहुत जरूरी है। ये स्पर्धा जो है वो भी स्प्रिंट की टेक्निक से मिलता जुलता है। स्प्रिंटर थोड़ी दूर दौड़ने वाले को कहते हैं। इसमें धावक थोड़ी दूर तेज दौड़ता है और फिर बाधा को कूदकर पार करता है। एक अच्छे बाधा दौड़ धावक को एक अच्छा स्प्रिंटर होना जरूरी है, लेकिन एक स्प्रिंटर अच्छा हर्डलर हो ये जरूरी नहीं है। बाधा दौड़ में 10 बाधा होती है, इनको पार करके ही धावक अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचता है। बाधा को पार करते वक्त सामने वाले पैर को सीधा रखा जाता है और पीछे वाले पैर को मोड़ा जाता है। हर्डल्स में इंडिया का जो हमारा रिकॉर्ड है वो गुरबचन सिंह रंधावा के नाम है 110 मीटर हर्डल्स में, जो आज तक अभी तक नहीं टूटा, जो उन्होंने 1964 ओलंपिक्स में बनाया था। इनका 110 मीटर हर्डल्स का इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो 14.09 सेकंड्स है। इसी तरह 400 हर्डल्स में मेंस का रिकॉर्ड 50.43 साफ सिंह के नाम रिकॉर्ड है। और लड़कियों में पीटी उषा का तो नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, उन्होंने हर्डल्स में ओलंपिक्स में इंडिया का काफ़ी नाम किया था कि वो कांस्य पदक लेने से चूक गई थी। उन्होंने 55.42 सेकंड का टाइम लेके चौथे स्थान पर लॉस एंजलिस में वो रही थी, जो अब तक का इंडिया का रिकॉर्ड है, अभी तक उसको कोई नहीं तोड़ पाया है। इसी तरह 100 मीटर हर्डल्स में देवी बोस का रिकॉर्ड है इंडिया के नाम 13.67 का। किसी भी खेल को खेलने और उसमें पारंगत होने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित लक्ष्य को सामने रखकर अभ्यास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुझान, रसरी आवत जाते सिल पर परत तिसान।
एक धावक का सपना होता है ओलंपिक तक पहुंचना और उसमें विजय हासिल करना, और इस निश्चित लक्ष्य को सामने रखकर वो अभ्यास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप एक निश्चित लक्ष्य को सामने रखें और अभ्यास करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।